हालेलुया। भजन संहिता 40 उसका एक और दो वचन हम अगर पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, कुछ भी बन गया वो कभी भी अपनी शुरुआत को नहीं भूला। दाऊद कुछ भी बन गया, वो राजा बन गया, उसके पास बड़े बड़े महल आ गए, सब कुछ, लेकिन वो कभी भी, जब भी वो भजन, कोई भी भजन पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो कोई बिल्कुल मरा सा व्यक्ति वचन बोल रहा है। वो हमेशा अपनी उस कमजोरियों को भी दर्शाता है। वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धियों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो जो था उसके विषय में भी वो बताता है। मेरा तो अनर्थ के साथ जन्म हुआ, मैं तो माँ के गर्भ में ही पाप के साथ गिरा। वो अपनी कमजोरियों को बताता है। यहाँ पे लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे तो हर समय दाऊद की जो निर्भरता थी वो प्रभु पे बनी रहती थी। बल्कि बाहर की बहुत सारे राजा था, धन पैसा सब कुछ था, फिर भी दाऊद ने कभी भी उन चीज़ों पे अपनी निर्भरता नहीं जाहिर की। उसकी निर्भरता यहोवा पे बनी रहती थी। वो दो शेर मारने के लिए भी, हाँ, भालू मारने के लिए जब वो चरवाही करता था तब भी वो यहोवा की सामर्थ पे निर्भर था। जब गोलियत को मारना था तब भी उसने यहोवा को कहा कि संग्राम यहोवा का है। जब उसने लड़ाइयाँ लड़ी तब भी वो यहोवा से पूछता था, तू मेरे साथ जाएगा तो मैं जाऊँगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। हमेशा दाऊद की जो निर्भरता थी वो परमेश्वर के ऊपर थी, क्योंकि उसे पता था कि मुझे बनाने वाला यहोवा है, मुझे खड़ा करने वाला यहोवा है। उसने मुझे पापों से, दलदल से, उस कीच से निकाला है। आमीन। मुझे ट्रांसफॉर्म किया है, मुझे बदला है उसने। अगर आपको बदल दिया परमेश्वर ने तो भी अपनी निर्भरता किसी वस्तु पर या किसी चीज पर नहीं, अपनी निर्भरता प्रभु पे रखी है। हालेलुया। प्रभु ने जब आपको निर्बुद्धि बुलाया तो निर्बुद्धि रहने के लिए नहीं बुलाया, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको एक बड़ा बदलाव, कि एक निर्बुद्धि व्यक्ति बड़े बड़े बुद्धिमानों को लज्जित करे, ये बनने के लिए आपको बुलाया गया। जब परमेश्वर ने आपको निर्बल बुलाया तो निर्बल रहने के लिए नहीं बुलाया, ताकि आप बलवानों को भी लज्जित करें, वो बनाने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। हमेशा आपको याद रखना है कि जब इसीलिए बाइबल लिखा, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, प्रभु ने आपको तुच्छ रहने के लिए नहीं, आपको निर्बल रहने के लिए नहीं, आपको मूर्ख रहने के लिए नहीं, आप कुछ भी नहीं है, प्रभु ने आपको कुछ बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप सोचें, अगर आज हम अपने जीवन के बारे में सोचे, हम क्या थे, हम कहाँ थे, हम पापों में, जैसे दाऊद कहता है, मैं उस कीचड़ में था, मैं उस पाप के दलदल में था, मैं उस बीमारी में था, मैं शैतान के हाथों में था, लेकिन परमेश्वर ने उन जगहों से मुझे निकाला, मुझे चट्टान पे खड़ा किया। अगर परमेश्वर वहां से आपको निकाल के यहां ला सकता है तो परमेश्वर आपको और ऊंचा ले जा सकता है। हालेलुया। बट अगर आप पीछे मुड़ के मिस्र की ओर देखने लगे, याद रखिए वहीं पहुंच जाएंगे। इसीलिए जब प्रभु ने बुलाया है, तैयार रहो कि वो अपना कार्य आप पे पूरा करे। हालेलुया। लेकिन बदलाव पहले दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन से।
पहले दिन से प्रभु की जो प्लानिंग है आप महसूस करने देखने लगते हो आप, लेकिन पहले दिन वो जो मकसद है वो आपको पता नहीं चलेगा। पहले दिन से वो बदलाव, वो तैयारी आपको दिखने लगेगी, वो कार्य आपके जीवन में दिखने लगेगा, आपको भी दिखने लगेगा, दूसरों को भी दिखने लगेगा, लेकिन काम वहां तक खत्म नहीं होता। जब परमेश्वर ने दानियल को बुलाया तो केवल सिर्फ राजा के सपने बताने के लिए नहीं बुलाया था, समझ आ रही है आपको, सिर्फ राजा के सपनों का अर्थ बताए नहीं, नहीं नहीं, पूरी दुनिया को अंत के विषय में बताए, उस एंटी क्राइस्ट के बारे में बताए। परमेश्वर ने दानियल को अपने स्वप्न, अपने भेदों को समझाने के लिए परमेश्वर ने दानियल को चुना था। हालेलुया। हो सकता है आज आपके आप जो कर रहे हैं वो उसका हिस्सा है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, और वो छोटी छोटी शुरुआत जो परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ, इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया, अकेला था वो, तो अपने बेटे के लिए ही कि प्रभु एक पुत्र दे दे, मेरा वंश चलता रहेगा। हाँ, परमेश्वर पूरी दुनिया के वंश उसके द्वारा चलाना आशीष देने जा रहा था, संसार की सारे वंशों को परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा जो आत्मा में जन्मे हैं उनको भी परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा आशीष देने जा रहा था। हालेलुया। आप बहुत छोटा अपने लिए सोच रहे हैं, आप केवल अपने लिए सोच रहे हैं, प्रभु आपके द्वारा परमेश्वर पूरे संसार के लिए योजना बना रहा है। हालेलुया। मूसा अकेला फिरौन बनता, अपने लिए जीता, लेकिन मूसा लाखों करोड़ों के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। हालेलुया। यूसुफ हजार लाखों लोगों के लिए, आज उस पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बन गया। प्रभु के डिवाइन प्लान है हमारे लिए, हम तो बहुत थोड़ा सोचते हैं। एस्तर, हाँ, वो कह रही मेरे माता पिता नहीं, पर प्रभु ने उसको पूरी इज़राइल कौम की माता ठहरा दिया, उनको बचाने वाला ठहरा दिया। हालेलुया। जब तक लिखा ना, जब तक बीज मरता नहीं उसमें जीवन नहीं बनता। परमेश्वर का काम हम में जारी है, प्रभु हमें अंदर से खत्म कर रहा है ताकि हमारे अंदर से जो पैदा हो वो सबके लिए हो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है आज? हाँ, कुछ लोगों के ऊपर से जा सकती है, पर जो कैच कर रहे हैं वो पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस साउल था, हाँ, वो क्या कर रहा था? वो यहूदियों के विषय में जलन रखता था, वो हाँ भाई मूसा की व्यवस्था के लिए जलन रखता था, और वो मसीह लोगों को मार रहा था। जब परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुआ, हाँ, परमेश्वर ने कहा, मेरे यीशु ने कहा, तू मुझे क्यों सताता है? जब इनकाउंटर हुआ, अंधा हो गया, जान गया परमेश्वर को, और उसके बाद आज अगर कोई व्यक्ति प्रभु के कारण सताव सहता है तो सबसे बड़ा उसका रोल मॉडल पौलुस होता है। सबसे बड़ा रोल मॉडल आज भी पौलुस होता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस पूरे संसार के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन गया। आपको पता नहीं खुदा ने आपके लिए क्या सोचा है। आपको उस रेगिस्तान में कोई सवाल नहीं, उस तपती धरती पर कोई सवाल नहीं, उस घटी में भी कोई सवाल नहीं।
हमें चलते जाना है, चलते जाना है हमें, परमेश्वर अपना प्लान हमारे जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। बस हमें अपने बुलाए जाने को कभी नहीं भूलना, हमें याद रखना प्रभु ने हमें कहां से बुलाया है, और कभी धन्यवाद करना ना छोड़ें, हमेशा उस घूरे को याद रखें कहां से परमेश्वर ने हमें निकाला, और धन्यवाद करते रहें। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे, हर एक भजन में दाऊद अपने उस पिछले जीवन को, उस खाई के जीवन को याद करता है कि जहां कहां से प्रभु ने मुझे दलदल से निकाला, प्रभु ने मुझे घूरे से उठाया, प्रभु ने मुझे पापों के कींच से निकाला। हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु ने हमें कहां से निकाला। अगर आप उस चीज को याद रखेंगे, आपको खुदा ने क्या बनाया है, वो पूरा संसार देखेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक बदलाव, बाहर की चीजें मत देखो, बाहर से कंपेयर मत करो लोगों से अपने आप को, आप अपने अंदर वाले व्यक्तित्व के अंदर से आप क्या हो, आप कौन हो, उस चीज पर हमेशा घमंड करो कि आप आज अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानते और समझते हो, जो आदि और अंत है। लोग तो दिखाते हैं, मेरा हाथ देखना कल क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। प्रभु ने आपको आपका अनंत काल के विषय में भी आपके बता रखा है। हालेलुया, आपका अनंत काल का जीवन, हमें चिंता करने की जरूरत, हमें सिर्फ क्या करना है, चलना है, चलना है नम्रता से, दीनता से, आत्मा के फलों से। मैं आपको सच में बता, जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, मैं हमेशा अपने उस जीवन को, उस जहाँ से प्रभु ने निकाला, जहाँ से प्रभु ने बनाया, हमेशा याद करती हूँ। और सचमुच हृदय आपका टूट जाता है, और टूटा मन यहोवा को ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया, कैसी नरक जैसी जिंदगी, कोई आशा नहीं। आज आशा है, जीवन है, सामर्थ है, सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। आज आप लोगों से नहीं सलूशन पूछते अपनी प्रॉब्लम के, आप लोगों को बताते हो, आप लोगों के सलूशन करते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम में उनको तसल्ली देते हो, उनको हयाब देते हो, उनका उनका सलूशन ग्राउंड पर लेकर आते हो, उनको आप हयाब बनाते हो। जो खुद मरने वाले थे, आज दूसरों को जिंदगी दे देते हैं। हालेलुया, ये प्रभु हमें बना देता है। यूसुफ की जो एक गुलाम की जीवन था, हाँ, पूरा मिश्र उसके आगे हाथ फैला रहा था। समझ आ रही है आपको, पूरा मिश्र यूसुफ के आगे खड़ा था अपने जीवन के लिए, जो एक गुलामी का जीवन था। कितनों को समझ में आ रही है, एक गुलाम, एक बंदी, एक नौकर पोतीपर के घर में, उसको देख के कुछ नहीं, लेकिन प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है उस व्यक्ति को। और धीरे धीरे पोती पर आशीषित होने लगा, ब्लेस होने लगा, और पोती पर समझ गया, ये गुलाम कुछ तो है, जब से ये मेरे घर में आया है तब से मेरी बरकतें, मेरी आशीषें, मेरा बिजनेस, मेरी ब्लेस होने लगा, उसका अनुग्रह उसके ऊपर आया। उसने कहा, बस मेरी पत्नी को छोड़ के सारी चीजों के लिए मैं तुझ पे फेथ करता हूं, तू मालिक है। समझ आ रही है आपको, जब आप प्रभु के चुने होते हैं, वो बदलाव परमेश्वर अन्य जाति लोगों को भी आपके जीवन में दिखा देता है।
अब तो तुम बड़ा खुश रहती हो, क्या हो गया? हाँ, अब तो तुम्हारे घर में लड़ाई की आवाजें नहीं आती। हाँ, अब तुम मेरी दुकान में दवाई लेने नहीं आते। हाँ, इतना खुश रहे कैसे? बहुत सारी चीजें जब हमारी लाइफ बदलती है तो सबको दिखना शुरू हो जाती है। देखो, हम वही हैं, बाहर से तो अभी भी हम वो दिख रहे हैं, लेकिन बदलाव प्रभु कहाँ लाया? अंदर से हमें उसने जब बदला और उसकी योजना जब हमारे जीवन में पूरी होने जा रही है तो सब लोगों को दिखाई दे रही है। हालेलुया। इस बदले हुए जीवन के लिए रोज प्रभु का धन्यवाद किया करो। जिसको कोई नहीं पूछता था, आज लोग फोन कर करके पूछते हैं। आपसे जो आपसे बात नहीं करना, आज वो आपसे बातें करना चाहते हैं। जिन्होंने आपको छोड़ दिया, आज वो चाहते हैं कि आपके नजदीक आ जाए। ये बदलाव परमेश्वर लेके आता है, इसलिए उसका धन्यवाद करना और अपनी उस जिंदगी को याद करके प्रभु की योजना में चलते जाना। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो। प्रभु ने एक नशेड़ी को धर्मी बना दिया, प्रभु ने एक व्यभिचारी को धर्मी बना दिया, प्रभु ने एक वेश्या को धर्मी बना दिया, प्रभु ने एक चोर को धर्मी बना दिया। ये बदलाव कौन लाता है? यीशु लाता है, बदल देता है। वो नीची लाइफ से तुम्हें एक उच्च कोटि की लाइफ देता है। वो अपवित्रता की, पाप की भरी जिंदगी से तुम्हें एक पवित्रताई का जीवन देता है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर, तारीफ करो। वो औरतें जो दुष्ट आत्माएं थी, जिनमें कुछ वेश्याएं थी, कुछ पाप करने वाली व्यभिचार में पकड़ी हुई औरतें थी, बाइबल कहती जब उनका, जब यीशु ने के पास आई, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। और बाइबल में लिखा वो यीशु की सेवा में उतर गई, यीशु की मदद किया करती थी, वो सुसमाचार करने लगी। वो चेले, वो चुंगी लेने वाले जक्कई जब ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, हाँ, जाके प्रचार करने लगा। वो औरत जो व्यभिचारिणी थी, जो पांच पति कर चुकी थी, यीशु को जो पानी, मुझे पानी पिला, जब यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ, आज भी उसका जिक्र होता है। पूरे गांव को उसने बता दिया, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मुझे मिल चुका है। हालेलुया। जिसको कोई नहीं जानता था, उसको आज हर जगह उसका प्रचार किया जाता है। आपको याद रखना है, प्रभु आपको बदल देता है, और वो बदलाव आपके कारण नहीं, प्रभु के चुनाव के कारण। उसने आपको चुन लिया, और उसने आपकी भौतायत, खूबसूरती, आपकी चीजों को नहीं, जब आपके पास कुछ नहीं, जब आप निर्बल, तुच्छ, सब कुछ मूर्ख, तब प्रभु ने आपको बुलाया। तो इसलिए अपने ऊपर घमंड ना करें, अपने बुलाए जाने को सोचो। कुछ नहीं, तभी हम धन्यवाद से भरे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस समय।